हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं? ये वो टाइट्रेशंस हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसमें एक मेटल आयन जो कि एनालाइट के रूप में लिया जाता है वो लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि इरिडिये, और मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जो रिएक्शन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें एक रिएक्शन तो होना ही है, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्शन। द नेचर ऑफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्सेशन, देर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन रिएक्ट विद लिगेंड, मेटल आयन टेक्स द इलेक्ट्रॉन, लिगेंड गिव्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। द रिएक्शन इज फास्ट, इट कंप्लीट्स एंड इट हैज़ ए एंड पॉइंट विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। सो इनिशियली व्हेन वी ऐड एनालाइट यानी कि मेटल आयन टू द फ्लास्क, इन दैट वी देयर वी ऐड इंडिकेटर, वहाँ हम इंडिकेटर ऐड करते हैं और फिर वो मेटल आयन इंडिकेटर के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये लिमिटेड मेटल आयन का पोर्शन यूज़ होगा इसमें, ज़्यादातर मेटल आयन जो है वो बचा रहता है और कुछ दो तीन बूंदें ही हम इंडिकेटर की ऐड करते हैं जो कि कुछ मेटल आयन का मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब हम उसकी टाइट्रेशन शुरू करते हैं ईडीडीए के साथ या लिगेंड के साथ, मोस्टली टाइट्रेशन हम ईडीडीए ही यूज़ करते हैं, तो ईडीडी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब ब्यूरेट से ऐड करते हैं फ्लास्क में, तब क्या होता है, वो पहले फ्री मेटल आयन को सारा कंज्यूम करके उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब एंड पॉइंट आ जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर वही मेटल आयन जो कि इंडिकेटर के साथ बंध गए थे, जो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना था, तो अब वो वाले मेटल आयन भी वो ले लेता है और इंडिकेटर को फ्री छोड़ देता है। अब जो इंडिकेटर फ्री बच गया उसका अलग कलर होता है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो बना था उसका अलग कलर था, अब जो इंडिकेटर फ्री हो गया उसका अलग कलर है। तो इस तरीके से कलर चेंज आता है जिससे हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है। एक इसमें हम बफर भी ऐड करते हैं अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए, जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो सब्सटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एनालाइट। ईडीडीए इज द मोस्ट वाइडली यूज लिगेंड। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है और साथ साथ ये एक ही स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो कि ईडीडीए के हैं, इसलिए ईडीडीए ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम ईडीडीए टाइट्रेशंस भी बोल सकते हैं। पर्पस क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन या परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए। जैसे बहुत सारे मेटल आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करनी हो। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, वाटर के अंदर अगर आपका कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा है तो उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मार्केट फॉर्मुलेशन लाइक कैल्शियम के लिए। तो इस तरह के इसके पर्पज़ होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये तीन तरीके की होती है, मेजरली तीन तरीके की होती हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, हम इसमें अपने एनालाइट के मेटल आयन के सॉल्यूशन को, जो एनालाइट है वो हमारा मेटल आयन है यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में, तो उसको हम लेते हैं एनालाइट सॉल्यूशन को फ्लास्क में, उसमें हम बफर ऐड करते हैं, उसको डिजायर्ड पीएच पे ले आते हैं जो कि टाइट्रेशन के लिए सुइटेबल है, जिस पे कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल बना रहता है डिजायर्ड पीएच पे, तो उस पे ले आते हैं। फिर हम उसके अंदर डायरेक्ट ईडीटी ऐड करना शुरू करते हैं, यानी कि ईडीटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ब्यूरेट से ऐड करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंडिकेटर ज़रूर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं, उससे मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ मेटल आयंस का जो कि एक पर्टिकुलर कलर ले आता है फ्लास्क में। फिर हम उसके अंदर हम ईडीटी ऐड करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, धीरे धीरे वो सारा मेटल आयन कंज्यूम कर जाता है और फाइनली वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स वाला मेटल आयन भी ले जाता है और हमारी टाइट्रेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो प्रोसीजर में वही है कि हम सबसे पहले मेटल आयन ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, फिर हम बफर ऐड कर रहे हैं, फिर हम इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, फिर हम स्टैंडर्ड ईडीटी सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, जब तक कि हमारा
सुइटेबल कलर चेंज नहीं आ जाता। तो ये हमारा डायरेक्ट ईडीटी टाइट्रेशन है। एग्जाम्पल है टाइट्रेशन ऑफ ईडीटी विद जिंक यूजिंग एरिक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर। नेक्स्ट है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या कहती है? बैक टाइट्रेशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एनालाइट मेटल आयन ले रहे हैं फ्लास्क के अंदर, उसमें हम एक्सेस ऑफ ईडीटी ऐड कर देते हैं, जितना एनालाइट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं। हाँ, इससे पहले हम बफर जरूर ऐड करते हैं पीएच स्टेबिलिटी के लिए। अब आपने जो एक्सेस ईडीटी ऐड किया, अब कुछ तो रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बचा रहेगा। अब जो फालतू बचा रहेगा उसको हम बैक टाइट ट्रीट करते हैं फिर किसी स्टैंडर्ड मेटल आयन सॉल्यूशन से। इसमें ईडीटी का भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, और जो ब्लास्ट टाइप पे हम जैसे कोई जिंक मेटल आयन है स्टैंडर्ड ईडीटी, उसका भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब हम जब जिंक ऐड करते हैं लास्ट में या फिर कोई ऐसा मेटल आयन जो कि सुइटेबल है रिएक्शन के लिए, उससे ठीक पहले हम इंडिकेटर भी ऐड कर लेते हैं। फिर वो इंडिकेटर उस वक्त फ्री स्टेट में रह जाता है, क्योंकि ईडीटी से तो इंडिकेटर रिएक्ट करेगा नहीं, तो फ्री स्टेट में रहता है। और फिर जब आप ऐड करना शुरू करते हो मेटल आयन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो पहले सारा का सारा ईडीटी को कंज्यूम करता है जो एक्सेस में है, फिर लास्ट में वो क्या करता है इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का अलग कलर होता है, पहले फ्री स्टेट में होता है इंडिकेटर और बाद में कॉम्प्लेक्स बना के अलग कलर का होता है। तो ये बैक टाइट्रेशन है हमारी। इसका एग्जाम्पल है एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग सोलोक्रोम ब्लैक एज इंडिकेटर। सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन क्या होती है? इन दिस वी एस्टिमेट द एनालाइट मेटल आयन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम जो होता है हमारा सोलोक्रोम ब्लैक यूज करते हुए एज सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम कर सकते हैं। इसमें हम एनालाइट मेटल आयन ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम आयन सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बफर कर रहे हैं डिजायर्ड पीएच पे। फिर हम मैग्नीशियम ईडीटी सोल्यूशन ऐड करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर वो हम उसके अंदर सोलोक्रोम ब्लैक ऐड करते हैं और फिर टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड ईडीटी सोल्यूशन से जब तक रेड कलर ब्लू में ना कन्वर्ट हो जाए। इसमें शुरुआत में हमने जो अपना एनालाइट मेटल आयन लिया कैल्शियम, उसको मैग्नीशियम से सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। मैग्नीशियम सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको, हम जो इसमें इसको मैं करेक्ट करता हूँ, इसमें जो हमने शुरुआत में कैल्शियम लिया है फिर हमने मैग्नीशियम ईडीटी लिया है, तो मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स जो ऐड करते हैं एक लिमिटेड मात्रा में, कैल्शियम उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो मैग्नीशियम फ्रीली लिब्रेट हो जाता है। जितना कैल्शियम जा रहा है उतना ही मैग्नीशियम फ्री हो जाता है। फिर इस मैग्नीशियम को हम बैक टाइट्रेट कर रहे हैं यूजिंग सुइटेबल इंडिकेटर लाइक सोलोक्रोम ब्लैक। तो ये इसके अंदर होता है सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन में। इसको सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जो कैल्शियम लिया शुरुआत में एनालाइट, उसने मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स में मैग्नीशियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट है मास्किंग। मास्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम हमारा मिक्सचर ऑफ मेटल आयन है सपोज, हम उसमें एक पर्टिकुलर मेटल आयन को सेलेक्टिवली एस्टिमेट करना चाहते हैं, तब वहां पर मास्किंग की जाती है। मास्किंग हम क्या करते हैं, सपोज हमारे दो मेटल आयन्स हैं एक ही फ्लास्क में जैसे कि निकिल और लेड है, और हम निकिल का एस्टिमेशन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही ईडीटी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक को हमें मास्क करना पड़ता है, नहीं तो दोनों ही पैरेलल रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से हम एक समय में एक का एस्टिमेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, साइनाइड ऐड करते हैं एज ए मास्किंग एजेंट, और वो क्या करता है निकिल को मास्क कर देता है, निकिल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो, और लेड का नहीं बनता साइनाइड के साथ, क्योंकि निकिल का सी एन नेगेटिव के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस तरीके से निकिल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और मास्क हो जाता है और वहीं रहता है सोल्यूशन के एनवायरमेंट में, फिजिकल रिमूवल नहीं होता उसका। अब जो है लेड फ्री हो जाता है और लेड का हम ईडीटी से एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मास्किंग। नेक्स्ट है पीएम इंडिकेटर्स। पीएम इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एरिक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक। इसकी जो प्रॉपर्टीज हमें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो है शार्प कलर चेंज, सोलिबिलिटी होनी चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स बनाए मेटल आयन के साथ मिलके। दूसरा, इसके जो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो मेटल ईडीटी के कॉम्प्लेक्स से लेस स्टेबल होने चाहिए, और सॉल्युबिलिटी अवेलेबिलिटी, दीज आर सम जनरल पॉइंट्स। सो ये है पीएम इंडिकेटर्स।
इसमें मेटल आयन क्या करते हैं, पहले लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है जैसे, और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंड पॉइंट इज शोन बाय इंडिकेटर। यहाँ पर क्या होता है, जब हम एनालाइट लेते हैं फ्लास्क में तो तब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है ये थोड़े से मेटल आयन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है और मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनता है जो डिफरेंट कलर का होता है। जब एंड पॉइंट आती है तो सारा का सारा मेटल आयन जो फ्री था वो EDTA कंज्यूम कर जाता है। अब EDTA मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके ये मेटल आयन भी ले जाता है और इंडिकेटर को फ्री कर देता है। तो इस तरीके से इंडिकेटर फ्री स्टेट में आने की वजह से डिफरेंट कलर अज्यूम कर लेता है एकदम से, तो कलर चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से PM इंडिकेटर्स काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू था कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन का। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।